वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह सिख संगतां नूं मैं एक वीडियो राही संबोधन किया सी, जिते कुछ संगतां दा शंका है कि शायद वो जिहड़ी वीडियो है वो पुलिस की कस्टडी बनी है, क्योंकि उस वीडियो च मैं जी बुरे बारे देख रहा कि सो मेरी एक संगतां नूं अपील है भी देखो, पहले दी मेरी आदत नहीं भी मैं बैठ के सामने सामने वीडियो बनावा। तुसीं पुरानी वीडियो देखोगे उहदे च भी मैं कैमरे वाल बहुता वेखदा नहीं हुंदा। सो पहली गल जिहड़ी मुख मुद्दे वाली गल आपां करनी है, एक तो आपां हर चीज़ नूं कॉन्सपिरेसी नहीं समझना, सतगुरु सच्चे पातशाह की ओट सदका आपां गुरु की खेड़ नूं वड्डिया समझिए, ये नहीं भी आपां मतलब हिंदुस्तान की सरकार नूं जां पुलिस नूं वड्डिया समझण लग पईए, कलगीधर पातशाह की जिहड़ी करामात उहनूं वड्डिया समझिए, एडे किरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने जे कढ़िया है तो वह किसी मकसद वास्ते कढ़िया है। जिन्हां नूं ये लगता है भी मैं कोई भगौड़ा हो गया तो मैं अपने साथियों नूं छड्ड गया, ये गल दा भुलेखा कोई अपने मन च ना रखे। देखो ना तो मैं मरण तो डरा, मरण लिखाए मंडल में आए, इस बाणी के जोड़े बचन ने इतने पूरा पहरा दे रहे हैं, जिदन संसार से आ गए उदन मौत का जोड़ा राह वो शुरू हो जाता है, तो कोई बच नहीं सकता। पर मेरी संगतों को एक अपील है, मैं जी अज बाहर हैं सतगुरु सच्चे पातशाह ने जी मैंने बाहर रखा है इस घेरे तो, वह अर्थ यह है कि मैं अपने साथियों लिए कौम के नौजवानों लिए कौम के हितों की कुछ कर सकता, तो छेती ही संसार सामने भी प्रगट होवांगे और ये संगतां दे विच भी विचरांगे, इदां दी कोई गल नहीं। मैं उन्हां चों नहीं हैगा भी जिहड़े कहणगे मुल्क छड जा जी, मुल्क छड के बाहर चल गया वो हुण बाहरों जा के लोगों नूं वीडियो पा के मैसेज देऊगा, इदां दी गल नहीं। हाँ, जिहड़े बगावत दे दिन हुंदे आ उहनूं कटदिआं बहुत कुछ सानूं झलणा पैंदा, बिखड़े पैंडे ते तुरना पैंदा, मीलां मील भी वी बाई बाई मील सफर, दिन हर दिन पैदल करना, ये कोई मतलब खाला जी का वाड़ा तो है नहीं। सो अठी पैर प्रशादा छकना जे कि मिल गया, नहीं तो फिर जल पानी छक के गुजारा कर लेना, ये जिहड़े दिन ने बगावत दे कटने औखे ने। पर मैं संगतों को एक अपील करना कि आपने चढ़ती कला च रहना, चढ़ती कला च रहने का अर्थ यह हूँ कि असी जदों इस राह पर तुरीए, इस मार्ग पर तुरीए तो सानूं पहले ही पता हुंदा है कि आपां जिहड़े राह पर तुरे हैं कंडिया वाला राह है, सतगुरु सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया है और किला छड्ड के माछीवाड़े के जंगलों के गए ने, पैर कन्या लहू लुहान हो गए। सो वो रास्ते जिहड़े धर्म की नगरी के उत्ते अख्तियार करने पैंदे है। मेरी जिहड़ी संगतां नूं अपील है कि मैं एक कॉल दित्ती सरबत खालसे वास्ते, मैं जथेदार साहब नूं तां कहा कि जथेदार साहब ने एक सद्दा दित्ता सी मीटिंग करके कि समूह जथेबंदियां पहुंचण, जथेबंदियां पहुंचियां उत्थे, जिन्हां ने हमायत च कीता गल उन्हां दा वी धन्नवाद, जिन्हां विरोध च कीती उन्हां दा वी धन्नवाद। मैं किसी दे विरोध च नहीं गल करनी कोई भी, इह समां नहीं किसी दा विरोध जनमत जी नहीं करदा। कौम ते भीड़ आण पड़ पई होवे ते सानू एक दूजे दे हक च खड़ोना चाहिए। जथेदार साहब ने एक जिहड़ी उदम किया वो चंगा है, उस च कुछ नूं नहीं शामिल किया गया, मैनूं लगता भी सारे लिए खुला सद्दा होना चाहिए सी, पर जो हो गया सत वचन है। हुण उस तों बाद च जथेदार साहब ने कहा असीं छोटियां वीरां कढांगे। देखो वीर शब्द जदों असीं पंजाब आण के इस पुरातन शब्द नूं रिवाइव किया, इहदा अर्थ है वीर कत्तणी, कत्त के भाव इस पासे नूं तुर लैणा, ते फिर किसे रोक दी परवाह नहीं करनी, जदों वीर तुर पैंदी है वो किसे को रोक नहीं सकदी। जथेदार साहब जी, जे वीर कढ़णी है तो मेरी एक बेनती है, ये जो तुम प्रवान करो तो चंगी गल, क्योंकि तुहाडी भी प्रीख्या है, साडी प्रीख्या जो तुसीं लंघ रहे हैं, पर तुहाडी भी यह प्रीख्या है भी जथेदार के अहुदे ते जो जथेदार साहब के अहुदे ते हुंदिआं तुहाडी यह प्रीख्या है भी तुसीं अज कौम के लिए कितना डट के हक च खड़ सकते जो। सो जे तुसीं वहीर कढ़नी है तो तुहानूं यह वहीर जिहड़ी है इस तरीके नाल कढ़नी चाहीदी, अकाल तख्त साहब तो शुरू हो के कुछ दिनों के वहीर दमदमा साहब पहुंचे विसाखी, तो उत्थे सरबत खालसा होवे। तो मैं ये कदे भी नहीं कहा भी वहीर नहीं कढ़नी चाहिए, मैं ये कहा भी वहीर कढ़नी है, पर इन पिंडों छोटियां वहीरों लोगों को जागरूक करना यह खाना पूर्ति है, लोग पूरे जागरूक ने और लोगों को होर जागरूक करने की लड़ नहीं, सगों संगतों को मोबलाइज करने की लड़ है, संगतों को इकट्ठे करने की लड़ है, उन्होंने हुकूमत का पै कढ़ने की लड़ है। सो अज सानू लड़ है असी इकट्ठे होइए, इकट्ठे होकर कौम लिए खड़ीए, तो जिन्होंने ऐ लगता है कोई नहीं इस धरती ते ही आ, इस धरती ते ही अपना लहू डोलना। सो इस करके ये गल दी आपां परवाह छड्ड दईए कि मैं कितने भगौड़ा हो जाऊंगा, सतगुरु सच्चे पातशाह ने इन्नी बरकत इन्नी कृपा इन्नी रहमत मेरे ते कीती है कि मैं सुपने दे विच भी भगौड़ा नहीं होना सोच सकता। कईयां ने कहा सी उन्हें केस कतल करा ले होणे, ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने बेबुनियाद ने, केस कतल कराने तो पहले जो सिर का खोपड़ा उसी लवा सकते हैं, केस कतल कराने बारे सोच भी नहीं सकते। सो मेरी संगतों को अपील है, मेरी होरना सारे अपील है भी किसी अगे हाथ जोड़ के तरले नहीं करने, ठीक है। संगतों को संबोधन किया मैं पहली वीडियो, इस करके मैं संगतों को संबोधन करते हैं निम्रता, तो मैं वैसे नीवी पा के गल करता हूं, जो हुकूमत को संबोधन मैं हूँ कर दिना भी हुकूमत तो ना मैं कल डरता सी ना अज डरना, हुकूमत ने जो करना कर ले। हाँ ये गल है गिरफ्तारी तो मैं नहीं डरता, गिरफ्तारी लिए मैं कोई शर्त नहीं रखिया, जिहड़ियां गल्लां कीतियां जा रही मैं गिरफ्तारी बारे कोई गल ही नहीं सी कीती, जिहड़ियां गल्लां कीतियां जा रही भी अमृतपाल सिंह ने तीन शर्तां रख दित्तियां गिरफ्तारी दियां, भी थाने च जी उहदे नाल कुटमार नहीं कीती, जब मैं कहिंदा जिहड़ी कुटमार करनी जिहने कर लवे, जिहड़ा तशद्दुद किसे करके वेखणा करके वेख लवे, ना तशद्दुद तों डरदे हां ना बंद बंद कट्टण तों डरदे हां। सो इस करके मेरी संगतां नूं अपील है किसी भी गुमराह कोल प्रचार च नहीं आउणा, मैं चढ़दी कलां च अज दी तरीक तक मैं चढ़दी कलां दे विच आं,
और अज तो बाद सतगुर के हाथ है सारा कुछ। जे सतगुर ने इनिया संकटों च राखी की है तो अगे भी करता रहेगा। महाराज वो घर च किसी का घाटा नहीं, मेरी वोट उस पर है, मेरी वोट दुनियावी ना तो अदालतों पर है ना किसी होर गल पर है, मेरी वोट सतगुर सच्चे पातशाह की कचहरी पर है। उन्हें इंसाफ मेरे नाल करना है। संगतान मेरी अपील है भी तुम दृढ़ रहना, तुम ढेंदी कला च नहीं जाना, ना ढेंदी कला कोई गल करनी है। और मेरे परिवार को मेरे को अपील है भी तुम्हें भी कोई ढेंदी कला गल नहीं करनी, एवं नहीं हाथ जोड़ के कही जाना कि देखो जी साथ दो, सारी संगत साथ दे रही है। कोई नहीं जो कोई नहीं भी दिता इस खतर को सच्चे पातशाह का पेंडा है। इस मार्ग से चलते हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जो आनंदपुर साहब का किला छड़ते हैं तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे भेड़ ले सी। लोगों ने कहता सी अपने पुत मरवा गए, हम साढ़े मरवाण आ गए। सो मैं ऐ लगता भी आपको संगतों का साथ जोड़ा है वह संगत ने आप ही दे देना। आप चढ़ती कला च रही है सतगुरु का भाणा मनी, ये भाणा मनने ही सारा कुछ होना है। जो भाणे तो उल्ट जाके गल करेंगे वो होनी भी नहीं गई। सो भाणे च रह के सारा कुछ होना है। सो इनकी बेनती है सरबत खालसे की काल जथेदार साहब देन, जे नहीं देंगे तो उन्होंने प्रीख्या की घड़ी है कि वह कौम लिए की कर ली संजीदा ने तो की नहीं कर ली संजीदा ने। उन्होंने उत्ते एक इल्जाम लगता भी परिवारवाद की राजनीति करते हैं, ये उत्थों ही मुक्त होने का समय है। सो अज आप बढ़ चढ़ के जरा वा सरबत खालसे की काल के हिस्सा पाइए। संगतों को मेरी अपील है भी तुम संगती रूप से पिंडा अनाउंसमेंटा करो कि विसाखी के उत्ते दमदमा साहब सरबत खालसा सद्या जाए। इनकी बेनती है जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।